हरियाणा में सब लोग मौजूदा पार्टियों से तंग आ चुके हैं और एक उम्मीद लेके सब लोग हरियाणा हिसार पहुंचे थे। जब से वो हिसार की रैली हुई है, मुझे पता चला है हुड्डा साहब की और खट्टर साहब की और इनेलो वालों की इनकी नींद आराम हो गई है। तब से हरियाणा की जनता खड़ी हो गई है, अपने को सबको मिलके नया हरियाणा बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना? नया हरियाणा इन पुरानी पार्टियों से नहीं बनेगा, पुराने नेताओं से भी नहीं बनेगा। इन सारी पार्टियों को ट्राई करके देख लिया, बीजेपी एक बार, बीजेपी एक बार, कांग्रेस, इनेलो, तीनों पार्टियों को ट्राई करके देख लिया। जिसने भी सत्ता ली उसने पैसा कमाने के सिवा कोई काम नहीं किया। बता दो गलत कह रहा हूं तो। दिल्ली के लोगों ने अभी 3 साल पहले मौजूदा पार्टियों को लात मार के नई पार्टी को वोट दिया था, आम आदमी पार्टी को, ईमानदार पार्टी। और आज 3 साल के बाद मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, दिल्ली में आप बहुत सारे लोग दिल्ली जाते होंगे, दिल्ली की जनता से जाके पूछ रहे हो दिल्ली की जनता कितनी खुश है। पूरे दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल कायापलट हो गए, गरीबों के बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त हो गई हैं। पिछले 3 साल से बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए और आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर मिल रही है। अपने को अब हरियाणा बदलना है, सबको मिलके। यह आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी नहीं है, यह आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है। जो जो लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं उनकी आम आदमी पार्टी है, जो जो लोग मौजूदा पार्टियों से तंग आ चुके हैं, जो जो लोग मौजूदा व्यवस्था बदलना चाहते हैं, अच्छा देश बनाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी उनकी पार्टी है, आपकी पार्टी है। हरियाणा में अगर अपने को बदलना है, आप लोगों को बदलना पड़ेगा, आप लोगों को खड़े होना पड़ेगा, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको पैसा भी खर्चना पड़ेगा। अपने आप नहीं बदलेगा हरियाणा, केजरीवाल के पास ना तो पैसा, और मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। दिल्ली के लोगों ने दिल्ली की राजनीति बदली थी, आप लोगों को सबको मिलकर हरियाणा की राजनीति बदलनी है। अगर यही पार्टियां रही, मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा में पिछले 2-3 साल में जो दंगे हुए थे, हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है, वो दंगे कांग्रेस ने और बीजेपी वालों ने मिलकर कराए थे। हमारी दुकानें जलाते हैं, हमारे घर जलाते हैं, और उसके बाद कहां थे उस टाइम खट्टर साहब जब हमारी दुकानें और हमारे घर सब लोगों के जल रहे थे। अगर अपने को दंगे चाहिए तो बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे दो, और अगर अपने को सुख शांति चाहिए, अपने को सुरक्षा चाहिए, अपने को स्कूल चाहिए, अपने को अस्पताल चाहिए, अपने को फसलों के अच्छे दाम चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को सारे जने वोट दे दो।